दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, फेसबुक में आपको एक एरर आती है जहाँ पे कुछ अकाउंट्स में आ रहे हैं, कुछ अकाउंट्स में नहीं आ रहा। जैसे कि एक अकाउंट लॉक हो जाता है, लॉक होने के बाद नीचे एक गेट स्टार्टर का ऑप्शन आना चाहिए, हालांकि वो नहीं आता। किसी अकाउंट में लर्न मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पे गेट स्टार्टेड ऑप्शन कैसे लाए, जो प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट बैक कैसे कर सकते, मतलब कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा करने मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। एक अकाउंट मेरे पास आया जिसका मैं सॉल्यूशन के आपको दिखाने वाला हूँ, और बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने लिंक कर रखा है, जीमेल लिंक करे, वो आपके पास होनी चाहिए। इतना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उससे पहले बता दूं, अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और बहुत सारे कैटेगरी के वीडियो भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जाके एक बार चैनल विजिट कीजिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सोचते हम आ चुके मोबाइल के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैंने जो आईडी और पासवर्ड डाल दिया है जिसमें प्रॉब्लम है, तो सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें मुझे लॉगिन कोड की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इस अकाउंट में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, जो कि मैं अपने ब्राउज़र में लॉगिन कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये वाली प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगी जो कि अकाउंट लॉक की होगी, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ। बट मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है, रीज़न ये है कि मैं किसी और का अकाउंट अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है लॉगिन कोड की ज़रूरत बिल्कुल भी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस करनी वो कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी एरर आती है वो मैं आपको दिखा लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने सेव ब्राउज़र किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एरर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेम है उसके बाद योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक। तो ये जो प्रॉब्लम सबको आ रही होगी, जिसको आ रही है इसको आपको वीडियो पूरा देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, अनिल योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक, उसके बाद नीचे लिखी वी यूज़ अनयूजुअल एक्टिविटी वगैरह वगैरह, यहाँ पे कुछ लिखा है इस वजह से हमने आपका अकाउंट लॉक कर दिया है, या फिर नीचे जो लिखा है इसमें लिखा है कि कोई और यूज़ कर रहा है तो इस वजह से हमने लॉक कर दिया वगैरह यहाँ पर लिखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नीचे लर्न मोड का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर गेट स्टार्टेड नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले लर्न मोड पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है और यहाँ पे ऊपर एक लिंक भी दी है, बट उसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, एक विजिट दिस पेज लिखा है उस पर हम क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पर क्या लिखा है वो भी हम दिखा देते हैं, तो वापस वहीं पर आ जाते हैं। और ऊपर एक राइट साइड में हेल्प का ऑप्शन है, अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि क्यों बंद हुआ वगैरह वगैरह, ये सब पूछे, लेकिन हेल्प का मतलब गेट स्टार्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको वापस बैक चले जाना है, मतलब कि लर्न मोड वाले ऑप्शन पर आ जाना है और सिंपली फिर से लर्न मोड पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिया मतलब नीचे चले जाना है, और यहाँ पे जो लिखा है वॉज द आर्ट हेल्पफुल, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना, कुछ भी नहीं करना, नो कर देंगे तो आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहला वाला आपके लिए काम नहीं कर रहा तो उसको भी जाने दीजिए, सेकेंड वाला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, थर्ड वाला बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो आपको सिंपली अदर वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शनल में आपको लिखना है कि आपके अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या यहाँ पे एरर शो हो रही है, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे टाइप करके आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। मैंने टाइप कर दिया, अब सिंपली यहाँ पे मैं आपको पहले कॉपी कर लेता ताकि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और सिंपली सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो चला गया उन फेसबुक की मतलब फेसबुक वाले के पास चला गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट काम हो गया, अब सेकंड काम करना है, आपको जाना है फिर से एक मतलब फिर से नए टैब में जाना है और आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करके आपको इस वाले लिंक पे आ जाना, रिपोर्ट ए इश्यू। तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है, जो बॉक्स लेगा उसमें जो भी लिखा मैंने आपको दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं जो भी लिखना है ठीक है, और नीचे जो ईमेल आईडी देनी होती है वो अपने अकाउंट की दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है। उसके बाद इसको भी कॉपी कर ले ताकि मैं आपको दे सकूँ। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना, जो कि लर्न मोड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो स्क्रीनशॉट भेजिए, जो साइड में आपको मैं दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और मैं अपलोड करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। और स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सेंड कर देना है, नीचे जो ऑप्शन है सेंड उस पर आपको क्लिक करना है। मैंने स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा दूँ ठीक है, ये अपलोड कर दिया और सेंड पर क्लिक कर दिया। अब जैसे सेंड पर क्लिक किया है आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे टाइम की बात करते हो, आप जब आप प्रोसेस दोनों कर दिए तो 24 घंटे मैक्सिमम वेट कीजिए, अंदर हो जाता है लेकिन 24 घंटे वेट कीजिए। और फिर आपको वापस एक बार फिर से लॉगिन करना है अपने आईडी और पासवर्ड से, वहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका होगा। लेकिन
मैं आपको आगे प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। रीज़न यही है कि जिस बंदे का ये अकाउंट था उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया है और वो अब देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये गेट स्टार्टेड ऑप्शन आ चुका है तो काम हो गया तो बात ख़त्म, वही बात होगी, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो प्रोसेस होती है मैं आपको थोड़ा थियोरिकली समझा लेता हूँ। तो वहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो कोड मंगवा के आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आईडी जहाँ पे मांग रही है अपलोड आईडी वहाँ पे आपको अपनी आईडी देनी होगी, बस काम हो जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन लाने का तरीका यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट 100% बैक हो जाएगा। लेकिन अकाउंट रियल होना चाहिए, गेट स्टार्टेड के बाद जो प्रोसेस करनी है उसमें रियल अकाउंट होना ज़रूरी है और ईमेल आईडी या नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया। वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।